नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बताया गया था, फ्यूचर एंड ऑप्शन के जो स्टॉक है वो कंटिन्यू आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मार्केट में आज एक बड़ा करेक्शन देखने को मिला, बट स्टिल देखिएगा आपको किस तरीके से गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है और क्या प्राइस एक्शन आपको देखने को मिला फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक में। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट अर्निंग कैसे करें, देखिएगा हिंडाल्को के स्टॉक में किस तरीके की अर्निंग हो रही है, आप भी इस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। एक नहीं, बिगिनर भी काफी अर्न कर रहे हैं। 70-80% की आपको एक्यूरेसी भी देखने को मिलेगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और बहुत सारी गाइडेंस भी वहां पर आपको प्रोवाइड की जाएंगी। सभी जानते हैं कि ग्लोबल सेंटिमेंट में इस समय सबसे ट्रेंडिंग अपडेट क्या है, रशिया यूक्रेन का देखिएगा जो टेंशन चल रहा है। यानी कि अगर रशिया यूक्रेन में कोई भी टेंशन होता है, जिस तरीके से देखिएगा एक्सपेक्टेशन हो रहा है कि कोई ना कोई इन्वेजन हो सकता है, कोई ना कोई एस्केलेशन हो सकता है, इवन अगर ये चीज़ नहीं भी होती है, तो अगर टेंशन भी बनी रहती है तो यूएस ने क्या कहा है, यूएस ने कहा है कि अगर रशिया में ऐसा कुछ होता है, रशिया ऐसा कुछ करता है यूक्रेन के खिलाफ, तो हम उन पर बहुत बड़े बड़े सैंक्शंस लगाएंगे। अब आपको यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, रशिया में कुछ हो रशिया में कुछ ना हो, मार्केट में देखिएगा इंपैक्ट उसका पड़ेगा, वो एक अलग चीज है। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपको कौन से स्टॉक्स बेनिफिट देंगे, कौन से स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी, कौन से स्टॉक्स में सबसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे, अगर रशिया में क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट होती है, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर होता है, तो ये चीज आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज बात करेंगे कि रशिया में अगर देखिएगा कोई भी दिक्कत होती है, रशिया यूक्रेन के बीच में कोई भी दिक्कत होती है, तो किन स्टॉक्स को बेनिफिट होगा, पूरा देखिएगा वेरीफाई करेंगे डेटा के साथ, ताकि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाए कि सीधा सीधा बेनिफिट क्या होता है। अब मैं आपको बताता हूं एक छोटा सा सिनेरियो क्या होता है, कि जब भी कभी वॉर होता है तो जो कॉमोडिटी के प्राइसेस क्या होते हैं, वो प्राइस अप होने लगते हैं, क्योंकि उनकी शॉर्टेज का आकलन किया जाता है। अगर आपके यहाँ कोई यूक्रेन में रहता होगा तो आप उनसे पूछिए एक बार कॉल करके, तो आपको पता चलेगा कि यूक्रेन में प्राइसेस अप हो रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर आप चेकआउट करेंगे, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन एक छोटी इकोनॉमी है और इस पर्टिकुलर टेंशन के वजह से लोग क्या कर रहे हैं, अपने घरों में अनाज जो भी देखिएगा जो एसेंशियल कॉमोडिटीज़ होती हैं उनको रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वॉर का कोई पता नहीं होता कब तक चलेगा। यहाँ पर जो इन्वॉल्वमेंट है वो यूरोपियन कंट्रीज़ का भी है और नेटो का भी है और यूके का भी है, तो इसका मतलब बहुत बड़ी तरीके से एक व्यू मैप बना लिया गया है। तो कॉमोडिटी के प्राइस जब बढ़ते हैं तो इसका मतलब जो चीज़ एक्सपोर्ट करी जाती है इन कंट्रीज़ के द्वारा अदर कंट्रीज़ को, उनका सबसे पहले शॉर्टेज होता है। लाइक मान लीजिए अगर यूक्रेन क्या करता है कि समझ लीजिए इस तरीके से कि यूक्रेन मान लीजिए अगर इंडिया को क्या करता है, इंडिया को गैस सप्लाई करता है या फिर ऑयल सप्लाई करता है, तो इनके प्राइसेस बढ़ने लगेंगे, क्योंकि इनके शॉर्टेज हो जाएंगे, यानी कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा वो थोड़ा सा क्या करेगा, कुछ समय के लिए दिक्कत में आ जाएगा। तो जब इनके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इनकी शॉर्टेज हो जाएगी, तो इंडिया में इन सब चीज़ों के, इन कॉमोडिटीज़ के प्राइसेस क्या होंगे, अप होना शुरू हो जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मतलब डिले किसी भी कारण के वश वहाँ पे क्या हो जाएगा, तुरंत क्या हो जाएगा, इन स्टॉक्स में आपको अप ट्रेंड देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको जो भी चीज़ क्या हो रही थी, जो भी चीज़ पहले 5 रुपये की मिल रही थी वो अपने आप 10 रुपये की मिलने लगेगी। इसको इस तरीके से देखिए कि मान लीजिए ब्राज़ील में थोड़े दिन पहले क्या हुआ था, ड्रॉट आया था, सूखा पड़ा था, तो ब्राज़ील सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट क्या करता है, चीनी। तो आपको पता होगा जैसे ब्राज़ील में ड्रॉट आया था तो चीनी के स्टॉक्स में बहुत तेज़ी देखी गई थी, आपको याद होगा, अभी रिसेंटली बात है, 8-10 महीने पहले की बात है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी होगा, तो आपको फोकस कहाँ पड़ना है कि रशिया एक्सपोर्ट क्या करता है। रशिया तो बहुत बड़ी कंट्री है और रशिया में अगर देखिएगा कोई वॉर जैसी स्थिति बनती है तो एक्सपोर्ट सीधा सीधा इंपैक्ट होगा। तो आपको 60% का देखिएगा प्रीवियस ईयर में एक अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं रशिया ने बहुत ही देखिएगा सारे रिकॉर्ड तोड़े, एक्सपोर्ट के सारे रिकॉर्ड तोड़े। अगर आप देखेंगे जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर और दिसंबर में बात करेंगे तो रशिया का एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अब रशिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि जो कंट्रियाँ इंपोर्ट कर रही होंगी उनके यहाँ उन चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे जो रशिया एक्सपोर्ट करता है, अगर वहाँ पे दिक्कत आती है।
तो आपको जानना क्या होता है, रशिया एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा क्या करता है। रशिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ, देखिएगा, ऑयल प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं यहां पे ऑयल का और ऑयल के प्रोडक्ट्स का और गैस का, नेचुरल गैस का, इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर रशिया है। अब आपको पता है कि ये इतना बड़ा जो वॉल्यूम है ये सीधा सीधा इंपैक्ट होता है। अभी छोटी सी बात है कि सऊदी अरेमको की एक छोटी सी रिफाइनरी में कुछ दिक्कत आ गई थी तो तुरंत क्रूड ऑयल के प्राइसेस जंप हुए थे, आपने देखा था। यहां पे तो पूरी पूरी वॉर की सिचुएशन बन रही है। तो आप देख सकते हैं रशिया इकोनॉमी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ कॉमोडिटी विद रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, अकाउंटिंग फॉर अबाउट अ हाफ ऑफ रशियन फेडरल बजट। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक एक्सपोर्टर है रशिया, और पूरी तरीके से जो इनकी इकॉनमी है वो डिपेंड करती है फ्यूल और एनर्जी प्रोडक्ट पे। 63% देखिएगा पूरा ये कॉम्पोनेंट इनको पैसा बना के देता है। फिर मेटल भी है, मशीनरी भी है, केमिकल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो आपको पता है जब इतने बड़े एक्सपोर्टर हैं, बड़ी कंट्री है, तो जैसे ही देखेगा रशिया में कोई भी दिक्कत होती है तो इन चीजों की शॉर्टेज हो जाएगी ग्लोबल मार्केट में, और तुरंत देखेगा इनके प्राइस क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे। इसका मैं अभी एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि बढ़ने लगे हैं, लगेंगे नहीं, लगे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर इन चीजों का, यानी कि जो एक कैटेगरी वाइज किन चीजों का देखेगा एक्सपोर्ट करता है, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे, फिर आपको पता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ेंगे। ये टॉप देखिएगा टॉप लिस्ट में आते हैं, यानी कि ये प्रोडक्ट रशिया के क्या आते हैं, टॉप लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट में आते हैं। तो जैसे ही कोई दिक्कत होगी तो इन प्राइसेस में आपको धीरे धीरे तेजी देखने को मिलेगी। ये देखिएगा डीजल, लिक्विड फ्यूल, कोल, इन सब चीजों के प्राइसेस क्या होने लगेंगे, इंक्रीमेंट होने लगेंगे। तो आपको इन्हीं चीजों पर फोकस करना है। कि अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया कि रशिया में कोई भी दिक्कत होती है या फिर अगर ये टेंशन थोड़े दिन तक बना रहता है, 3 महीने, 2 महीने, 5 महीने, तब भी यहां पे कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में वो बात नहीं आएगी जो पहले आ रही थी, तो इनके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब इसका बिगेस्ट एग्जांपल मैं दिखाता हूं कि कल रात को आपने क्रूड ऑयल के प्राइसेस कितने हो गए, $95 पर बैरल। आप समझ लो $95 क्या हो गए, पर बैरल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि रशिया क्या करता है, क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा क्या एक्सपोर्टर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। अगर वहां पे कोई दिक्कत होती है तो सीधा सीधा क्रूड ऑयल पे इंपैक्ट पड़ेगा और सीधा सीधा इनके प्राइस अप होंगे। तो आप देख सकते हो कि $68 से देखिएगा ये 75 है, 75 के बाद 82 और उसके बाद आप 95 देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे जैसे टेंशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखिएगा दिक्कत में आ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप देख रहे हो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे जैसे ही टेंशन समाप्त हो जाएगी तो फिर इनके प्राइसेस कम भी होंगे, लेकिन उस शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको कौन से स्टॉक बेनिफिट देंगे, उसमें पहला स्टॉक है आपका देखिएगा ये सारे ऑयल स्टॉक। तो रिलायंस इंडस्ट्री वन ऑफ द, आपको पता है वन ऑफ द एक्सपोर्टर है पूरी तरीके से क्रूड ऑयल का, फंडामेंटल स्टॉक है, बहुत ही क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक है। पेट्रोनेट एलएनजी बहुत क्वालिटी स्टॉक है, ओएनजीसी, आई ऑयल इंडिया, ये सब देखिएगा बहुत ही शानदार स्टॉक है, बहुत शानदार स्टॉक है, और इनके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट एकदम अनबिलीवेबल आएंगे। आपको भी पता है कि मेटल के जब प्राइस बढ़ना शुरू हुए थे तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुए थे, तो जो स्टॉक आपको 250 रुपए का मिल रहा था वो आज 1200 रुपए का मिल रहा है। मैं टाटा स्टील की बात कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मेटल के प्राइस बढ़े। अब यहां पे ऑयल के प्राइस अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्रूड ऑयल तो पहले से रख लिया है ना, तो वो जब प्राइस बढ़ेंगे तो मार्जिन बढ़ेंगे, मार्जिन बढ़ेंगे तो इनकी बैलेंस शीट बढ़ेगी, तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे जितने भी स्टॉक हैं, लाइक एक तो हो गया आपके ऑयल की स्टॉक, ये अंडर वैल्यूड भी है, BPCL, HPCL, और ये सबसे बढ़िया बात है कि डिविडेंड देते हैं, बड़े बड़े डिविडेंड देते हैं। और फिर देखिएगा US ने क्या किया है कि वो सैंक्शन लगा देगा गैस पाइपलाइन पे, रशिया की गैस पाइपलाइन पे सैंक्शन लगा देगा। तो अगर ऐसा हो जाता है तो गैस के प्राइस एकदम से बहुत हाइक पे हो जाएंगे, बहुत हाइक पे हो जाएंगे। तो IGL, MGL, गेल, ये स्टॉक जो गैस के सेक्टर में है, जो गैस का देखिएगा काम सब करते हैं, तो इनके भी स्टॉक्स में देखिएगा काफी बड़ा आपको जंप देखने को
मिलेगा, तो इन स्टॉक पे फोकस करिए, क्योंकि अगर कोई टेंशन होती है तो ये स्टॉक सबसे सेफ होंगे, सबसे सेफ, सबसे डिफेंसिव स्टॉक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और स्टॉक ऐसे बताऊं जो आपको इस पर्टिकुलर पैनिक सिचुएशन में अच्छे बेनिफिट देंगे, मतलब आप अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक अच्छे बेनिफिट देंगे, तो आप वीडियो के नीचे यस कमेंट करना मत भूलिएगा।